सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष चंद्र मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। यह जो चंद्र मुद्रा है, यह बहुत लाभकारी है उन लोगों के लिए जिनको मानसिक उलझन ज़्यादा रहती है, जो अवसाद से ग्रस्त रहते हैं, या जिनके शरीर में रक्त कम बन रहा है। विशेषकर व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वे कम बन रहे हैं, और प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो घट गई है, या जिनको किसी निर्णय पर पहुंचने में दिक्कत होती है, उनकी स्मरण शक्ति घट गई है, या जिनको जलोदर रोग हो गए हैं, या ऐसे लोग जो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा पाते और थोड़ा आलसी किस्म के हैं, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है। जो फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस मुद्रा से यह भी फायदा होता है कि अत्यधिक जो तनावग्रस्त लोग होते हैं और जिनको मानसिक उलझनें बहुत ही ज़्यादा रहती हैं, कन्फ्यूज टाइप के जो लोग रहते हैं, या जो अत्यधिक कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह बहुत बढ़िया मुद्रा है। तो इस मुद्रा को करने के लिए आप शौच क्रिया से निवृत्त होकर के, नहा धो करके खुले स्थान पर बैठें, कंबल दरी या योगा मैट बिछा करके बैठें, और किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, वज्रासन, भद्रासन या सुखासन पर भी। तो इन ध्यान आसनों पर बैठ करके, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी पद्मासन पर बैठा हूँ, एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर रख करके बैठा हूँ, इस तरह से आप बैठ सकते हैं, इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। तो किसी भी ध्यान आसन में बैठ सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं है किसी में आप बैठें, और इसे सुबह और शाम दोनों ही समय किया जा सकता है, परंतु प्रातः काल का जो है यह ज़्यादा लाभकारी है, और दोनों समय किया जाएगा तो अत्यधिक लाभकारी हो जाएगा। अब इसको करना भी बहुत सरल है। आपको कुछ दोनों हाथों को ऐसे मोड़ लेना है और इन्हें सटा लेना है। आप देखेंगे कि बीच में एक गोल सा लगभग बन रहा है, पूरा हाथ गोलाकार लिए हुए आ गया। उंगलियां सटी रहेंगी, तो जब उंगलियां सब सट जाएंगी, इधर अंगूठे की भी, इसकी सभी उंगलियां उससे सट जाएंगी। इसके बाद हमें गोल बना लेना है, और ये जो हमारा बाहरी हिस्सा है वह भी गोल रहेगा, भीतरी हिस्सा भी गोल रहेगा, ये ध्यान रखने की बात है। अब पूरा वृत्ताकार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से गोल आकृति बना लेनी है। अब इसके बीच में अब हमें देखना है, फोकस करना है ठीक इसके सेंटर पर, और इस तरह से फोकस करना है कि हमें इसका पूरा गोलाकार दिख जाए, बाहर का भी गोलाकार दिख जाए, यानी अंदर का दिख जाए, बाहर का भी दिख जाए, यानी अपने को दो जगह फोकस करना है एक तरह से, कि बाहर का वृत्त भी दिखे और अंदर का वृत्त भी दिखे। इस तरह से कर लिए, अब हम जो है इसको नाक से सटा लेंगे। किस नाक से? तो दाएं नाक से, दाएं नाक से सटा लेंगे, और दाएं नाक से सटा लेंगे। मुद्रा तो बस इतनी बार है, लेकिन इस मुद्रा के साथ मैं आपको प्राणायाम भी बतला रहा हूँ।
खाली मुद्रा करना है तो बस इतने बर है, काफ़ी है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ चंद्र प्राणायाम भी किया जाता है। तो चंद्र प्राणायाम करने के लिए आप इसको यहाँ दाएं नाक से डालें और बाएं नाक से धीमे धीमे सांस लेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दाएं नाक में जो है रुई ठूस दें, दाएं नाक में रुई ठूस कर रुई से भर दें और उसके बाद बाएं नाक से सिर्फ सांस लें आराम से और बाएं नाक से सांस छोड़ें। तो चंद्र प्राणायाम चंद्र मुद्रा के साथ हो जाता है। हालांकि यह जो वीडियो है सिर्फ चंद्र मुद्रा के लिए है, तो मैं आपको चंद्र मुद्रा यही बता दिया हूँ, ये आसान है, इसे आप करेंगे। कितनी देर तक करेंगे? तो कम से कम 15 मिनट तक करेंगे, 15 मिनट से आधा घंटा के बीच आप कर सकते हैं। इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा है और इसे विशेषकर जो पूर्णिमा का समय है उस समय साधक लोग करते हैं। तो पूर्णिमा के समय यदि किया जाएगा तो अत्यधिक लाभकारी होगा। और रात्रि के समय करें जब चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला हुआ है, उसी समय इसी तरीके से चंद्रमा को पूरा देखते हैं। तो यह चंद्र प्राणायाम कहलाता है और इसके लाभ मैंने आपको बता दिए, तो आप इसे अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ओके।